किसान भाइयों नमस्कार, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे थनेला रोग के बारे में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस रोग से कैसे बचा सकते हैं अपनी गाय या भैंस को, तो इसके बारे में भी आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा चैनल फार्मर चॉइस पहली बार देख रहे हैं तो हाँ, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पास वाली घंटी दबाइए और हमारी जो नई नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर शेयर भी कर दीजिए, जिसके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे थनेला रोग होता क्यों है। किसान भाइयों, इसके मैंने दो कारण जो कि मेन कारण है। पहला, इनकम्प्लीट मिल्किंग। जैसे कि अगर आप गाय भैंस का दूध निकाल रहे हो और जो दूध थनों में बच जाता है दूध निकालने के बाद, उससे थनेला रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जो आप सरफेस बना रहे हो जहाँ पर आपकी गाय रात दिन बैठती है, वो थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए। थोड़ा सा इतना भी, जैसे कि कोई कोई लोग मैंने देखा है कि RCC करा देते हैं नीचे जहाँ पर गाय भैंस बैठती है, तो वहाँ पर उन्हें थनेला रोग होने के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सरफेस रहता है वो काफ़ी हार्ड होता है और जिससे गायों के थनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, ये तो हमने बात कर ली कि जो थनेला रोग होता है वो इससे होता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक ट्यूब भी बताऊंगा जो कि मैं खुद सजेशन करता हूं, जो कि मेरे साथ में ही है। ये है पेंड्रियोस SH, जो कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में। ये जो इतना सा छोटा सा ट्यूब है, पर आप इसको छोटे में ना ले, ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। यदि आपकी गाय भैंस को थनेला हो गया है तो आपको ये जो दूध निकालने में, गाय की मिल्किंग करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये मैं बता देता हूँ कि ये कैसे यूज़ करना है। आप देख सकते हो कि इस तरह से, मैं इसको खोल के बताता हूँ पहले। तो किसान भाइयों, इसके साथ में हमें एक नोज़ल मिलती है और साथ में एक ट्यूब मिलता है। अब हमें इस ट्यूब को, यहाँ से जो नोज़ल है इसको खोलकर, यहाँ से पहले ट्यूब इसके अंदर थोड़ा सा करना है, उसके बाद इसे गायों के थनों में लगाना है और जो दूध है वो काफ़ी स्पीड से निकल सकता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और इससे गायों के थनों में भी काफ़ी राहत मिलेगी थनेला रोग से। और किसान भाइयों, ये मात्र और मात्र 20 से 22 रुपए में आपको किसी भी पशु मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है। किसान भाइयों, ये वीडियो किसी तरह से स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद अपने डेयरी फार्म पर इसका यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट इस ट्यूब से हमें मिल रहा है। किसान भाइयों, ये थी हमने कुछ जानकारी, बात करी थनेला रोग के बारे में। इसी के साथ में इसी की कुछ किट भी आती जो कि मैंने इंदौर मेले में कवर करी थी। अगर आपको किट वाली वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी ज़रूर से देखें। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने बाकी दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।